नमस्कार दोस्तों, माया नगरी में आपका स्वागत है। हाजिर हूँ मैं एक दिलचस्प जानकारी के साथ। फिल्म चोरी चोरी के बाद नरगिस राज कपूर के जीवन से निकल चुकी थी। हिंदी सिने जगत के शोमैन का आत्मविश्वास जार जार हो चुका था। उन्हें लगता था अब बिना नरगिस के फिल्म बनाना उनके बूते का नहीं रहा। ऐसे समय में ही उन्हें मॉस्को में मिली हीरोइन पद्मिनी, जो रूस अपनी बहन संग डांस परफॉर्मेंस देने और रूसी फिल्म में काम करने पहुंची थी। यहीं पर विभिन्न कार्यक्रमों में दोनों की मुलाकात हुई और आगे चलकर जिस देश में गंगा बहती है बनी। जिस देश में गंगा बहती है बड़े डरते डरते बनाई गई थी। फिल्म जागते रहो पिट चुकी थी। राज कपूर नरगिस के बाद सफलता को लेकर आश्वस्त नहीं थे, लेकिन इस फिल्म ने कमाल कर दिया। गानों ने धमाल मचा दिया और पहली बार हिंदी सिनेमा में फीमेल लीड इतनी बोल्ड दिखी। झरने के नीचे काली साड़ी पहनी कम्मो ने सबको दीवाना बना दिया। कहा जाता है कि राम तेरी गंगा मैली बनाने का ख्याल भी इस एक सीन ने राज कपूर के दिमाग में बिठा दिया। झरने के नीचे नहाती एक्ट्रेस का ट्रेंड भी संभवतः यहीं से शुरू हुआ। तो पद्मिनी ने किरदार के डिमांड को सिर माथे पर रखते हुए प्रदर्शन करने से भी गुरेज नहीं किया। सालों बाद फिल्मफेयर पत्रिका को दिए साक्षात्कार में भी उनसे इसे लेकर सवाल किया गया तो बोली, मेरे लिहाज से वो बोल्ड नहीं था। आखिर बीहड़ में डकैतों के बीच रहने वाली औरत कैसे रहेगी। पद्मिनी दिखने में काफ़ी सुंदर थी, डांस भी अव्वल दर्जे का करती थी और फिल्मों में एक्टिंग लाजवाब थी, लेकिन एक एक्ट्रेस थी जिनके साथ उनकी फाइट चलती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वैजयंती माला उस दौर में टॉप की एक्ट्रेस थी जब पद्मिनी इंडस्ट्री में आई। बताया जाता है कि 1984 में जो फिल्म राजतिलक आई थी तो पद्मिनी और वैजयंती माला के बीच एक डांस कॉम्पिटिशन भी हुआ था। ये भी कहा जाता है कि वैजयंती माला पद्मिनी से चिढ़ती थी, हालांकि दोनों ही एक्ट्रेसेस ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1962 में भारत चीन के युद्ध के दौरान पद्मिनी आर्मी कैंप में जाया करती थी। पद्मिनी आर्मी कैंप में जाकर सेना के जवानों का हौसला बढ़ाती थी और वहां पर डांस परफॉर्मेंस भी दिया करती थी। उनकी परफॉर्मेंस की काफ़ी तारीफ हुआ करती थी। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट से 1966 और 1971 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था। तिरुवनंतपुरम के पुजाप्परा में थंक अप्पन पिल्लई और सरस्वती अम्मा की दूसरी बेटी के रूप में 12 जून 1932 को जन्मी पद्मिनी ने 1948 में फिल्मी जगत में कदम रखा। पहली फिल्म कोई दक्षिण भारतीय नहीं बल्कि हिंदी थी और फिल्म का नाम था कल्पना। इसमें उन्होंने अपने शास्त्रीय नृत्य से खासी लोकप्रियता हासिल की। साथ में बड़ी बहन ललिता भी थी। ललिता, पद्मिनी और रागिनी भरतनाट्यम और कथकली में प्रशिक्षित थीं। ट्रावनकोर सिस्टर्स की काबिलियत का लोहा दुनिया ने माना। पद्मिनी ने जितना फिल्मों को जिया उतनी ही अपनी निजी जिंदगी को संवारा। सालों इंडस्ट्री में गुजारने के बाद साल 1961 में अमेरिका में रहने वाले फिजिशियन डॉक्टर केटी रामचंद्रन से उन्होंने शादी कर ली और फिर फिल्मों को अलविदा कह दिया। वो पति के साथ अमेरिका जाकर बसीं और गृहस्थी पर ध्यान देने लगीं। 1963 में बेटे को जन्म दिया। 1977 में न्यू जर्सी में क्लासिकल डांस स्कूल खोला, नाम दिया पद्मिनी स्कूल ऑफ आर्ट्स। आज इस स्कूल की गिनती अमेरिका के सबसे बड़े क्लासिकल डांस इंस्टीट्यूशन के तौर पर होती है। इस बेजोड़ अदाकारा की मौत 24 सितंबर 2006 में हुई। चेन्नई स्थित अपोलो अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। वो उस समय भारत आई थी और 23 सितंबर को तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के सम्मान में आयोजित एक समारोह में अंतिम बार दिखी थी। हिंदी समेत तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में काम करने वाली एक्टर के निधन पर करुणानिधि ने कहा था, मैं नहीं जानता कि मृत्यु ने एक सुंदर और दुर्लभ कलाकार को कैसे निगल लिया। वो सितारों के बीच एक सितारा थी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये दिलचस्प जानकारी हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं। फिर हाजिर रहूंगा ऐसी ही एक दिलचस्प जानकारी के साथ। बने रहिए माया नगरी के साथ। नमस्कार।